इक्विपमेंट, विसिलिन यूनिफॉर्म, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे जो डिस्कशन में आए थे। पीए सिस्टम का यूज करना आना चाहिए, हमें वीडियोग्राफी करा लेनी चाहिए, इंटेलिजेंस का गैदरिंग बहुत जरूरी है और हमें एक्टिवेट करना चाहिए हमारे जो भी इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए ग्राम रक्षा समिति है, इस तरीके के जो हमारे मेंबर साथ में काम करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग होना चाहिए। इसका तीसरा पॉइंट था आइडेंटिफाइंग द नेचर, ये ऑलरेडी पहले कवर हुआ कि हम जिस समस्या पर काम करने जा रहे हैं, हमारा जो भी टास्क है जिसको हमें संपादित करना है, उसका किस तरीके का प्रकृति है, हम किस चीज को करने जा रहे हैं, अगर ये क्लियर है तो फिर हमारी तैयारियां भी बहुत अच्छी होंगी। और इसके बाद अगला पॉइंट है नॉलेज एंड इन्फो एंड स्किल। तो नॉलेज के लिए अपडेट रहने के लिए कल ग्रुप में ये वाली बात आई थी कि हम सभी को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए ताकि करंट सिचुएशन में कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। मैम ने कल एक बहुत अच्छी बात की थी कि अमेरिका में भी यदि कुछ हो रहा है तो इफेक्ट हमारे हिंदुस्तान पर भी पड़ता है, तो घटनाक्रम क्या चल रहे हैं इसके बारे में जब हमें जानकारी रहेगी, हम अपडेट रहेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान कर पाएंगे। और इसके अलावा हमारा नेगोशिएशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जनता में जब हम जाते हैं यदि हम उनको अपनी बात अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे या फिर हम उनको सुनने की ही क्षमता नहीं रखते हैं तो दोनों ही स्थिति हमारे लिए कई बार बड़ी ही विपरीत हो जाती है। इसके अतिरिक्त एक पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है COVID-19 का प्रिपेयरनेस, जैसा कि अभी आप लोग बार बार सुन भी रहे थे कि भले ही हम लोग यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल्स को हमको फॉलो करना है, तो ये भी तैयारियों का ही एक हिस्सा है। हमारे इस टॉपिक की फुलवारी में अपने एक्सपीरियंस के फूल जो सजाने आ रही हैं इंस्पेक्टर रीता सिंह जी सागर से। सर नमस्कार। सर सर जो हमारा टॉपिक था उसमें ये पॉइंट कर कर आए थे एलओ ड्यूटी और इसके साथ साथ बीआईपी और थाना मैनेजमेंट के, उसमें तो थाना मैनेजमेंट जो होता है, जैसे हम किसी थाने में जाकर हम पोस्टेड हो रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उस थाने में जो हमारा थाने का स्टाफ है उसमें सबसे पुराना व्यक्ति कौन है, क्योंकि वो अधिकारी या कर्मचारी, एक थाने में एक अधिकारी या कर्मचारी कोई होता है वो उस थाने की पूरी जानकारी रखता है। एज अ टीआई हमें उसे अपने आप से कभी दूर नहीं रखना चाहिए, एज अ टीआई बोल रही हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति ही सब कुछ, उस क्षेत्र की जानकारी, उस क्षेत्र में कौन सबसे ज्यादा, कौन किसको, किस टाइप का आदमी है, किसे हमें ज्यादा पकड़ वाला आदमी, वो थाने का वो व्यक्ति होता है जो इस चीज की पूरी जानकारी होता है। और टीआई को कभी ऐसा थाना प्रभारी उसे अपने आप से कभी दूर नहीं रखना चाहिए। थाना क्षेत्र में कैसी स्थिति है, वहाँ की सामाजिक, वहाँ का क्षेत्रफल और वहाँ का पॉलिटिकल, जो भी जो मुख्य मुख्य बिंदु होती है कि कौन सा मोहल्ला ऐसा है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, किस टाइप के व्यक्ति हैं वहाँ, हिंदू मुसलमान, इन सारी चीजों को हमें फोकस देना चाहिए। साथ ही हमारे थाने का स्टाइल, स्टाफ जो होता है उसमें जो अलग अलग वर्ग के अधिकारी कर्मचारी भी होते हैं उनको भी हमें समानता का अधिकार देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंटेलिजेंट हुआ, जिसे हर एक चीज की जानकारी, तो हम अपने अपने पास उसे क्लोज रख लेंगे और एक व्यक्ति होता है जिसे हम समन्स वारंट के लिए बाहर भेजते रहेंगे, ये सारी चीजें ना होकर हमें उन्हें अपने अपने पास रखना चाहिए, हमें अपने स्टाफ से कभी दूरी बनाकर नहीं रखना चाहिए। इसके साथ लाइन ऑर्डर की जो स्थिति आती है, लाइन ऑर्डर थाने में किसी भी प्रकार का हो सकता है, इमीडिएटली लाइन ऑर्डर हो गया, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमें उस हिसाब से वहां थाने में तैयार रखना चाहिए। जो सामने का फ्रंट दीवार होती है, लाइन ऑर्डर में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है बहुत ही अपनी सुरक्षा, तो उस हिसाब से बॉडीगार्ड, हेलमेट, ये अपने थाने के मैन सामने वाली दीवार में रखे ताकि कभी हमें जरूरत पड़े तो हम उस चीज को जो सामने दिखाई देता है तो उसे हम लेके बिल्कुल अपनी गाड़ी में तैयार रखें और सामने आते ही हम उस चीज को लेकर जा सके। और दूसरी चीज, रोज रोज जब रोज ये सारी चीजें स्टाफ जो होते हैं 10-15 या 5-10 थाने के स्टाफ के हिसाब से, उन लोगों को उनकी ड्यूटी पता होनी चाहिए कि अगर आज ऐसा कुछ हो जाता है तो उनको ये पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में हमें ये काम में जाना है, मतलब लाइन ऑर्डर की स्थिति में हमें सबसे आगे जाना है, उनको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और जब कभी लाइन ऑर्डर होता है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो लाइन ऑर्डर का कारण है, पहले हमें कारण उसका पता हो और जो उनका मैन आदमी है या अध्यक्ष है, जो भी बोल सकते हो ना, कि उस ग्रुप में सबसे मैन आदमी है, पहले हम उनकी बात सुन लें, उनकी बात हम तक आ जाए, फिर हम अगर उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो हम उसका सोल्यूशन भी उनको दे सके। हमें जो सामुदायिक पुलिसिंग बताया जाता है कि हमें जनता से दूरी नहीं बनाकर रखनी है,
तो हम उनकी बात को पहले शांतिपूर्वक समझ लें, क्योंकि प्रॉब्लम क्या, अगर हम वही अगर शांतिपूर्वक इस चीज लाइन ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं तो वो भी करें। और साथ ही इसके साथ साथ जो हमारा सूचना संकलन होता है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो क्षेत्र का उस क्षेत्र में जो सबसे पॉइंट वाला जो व्यक्ति होता है, जिसे हम जो उन सामाजिक स्थितियों को समझ सकता है कि वहां पर एक्चुअल कंडीशन को जो शांत कर सकता है, उस व्यक्ति से संपर्क करें। कभी हमें अपना जो अपना बोलने का तरीका होता है एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, वो सब वो अपने आप में कंट्रोलिंग होना चाहिए। लेकिन ये है कि मैं अपने आप में कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ वैसा, मतलब मैं अपने आप में कंट्रोल नहीं कर सकती, ये वो चीज है कि आ जाता है आवेश, आ जाता है वैसा आवेश, कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन हमें अपने आप में कंट्रोल रखना चाहिए वहां पर, और स्थिति यही होनी चाहिए कि हम वहां पर जो ग्रुप इकट्ठा हुआ है उसमें रैकी करवा लें। एक दो आदमी जो हमारे सिविल के हैं वो जाके वहां पता कर सके कि उस ग्रुप उस गुट के अंदर क्या हो रहा है, जो उस चीज के कारण को पता करके वो सारी चीज खत्म कर सके। और अगर एक्सीडेंट वाला मामला हुआ जहां पे लाइन ऑर्डर की स्थिति होगी इकट्ठे हो गए, तो स्टाफ को जो इमिडिएटली वाला टाइम होता है अपना एक दो मिनट का टाइम है, तो हम इतनी कितनी जल्दी स्पीड से अपने स्टाफ को ब्रीफ कर सकते हैं। सुबह रोल कॉल होता है तो उनको बता सकते हैं कि क्या मतलब रोल कॉल हुआ, तो हम उनको बता सकते हैं अगर आज ऐसी कंडीशन हुई तो आपको क्या क्या स्थितियां होनी चाहिए, क्या आपको तुरंत जी मैम। उसके बाद होता है अपना वीआईपी का। वीआईपी सिक्योरिटी में सबसे पहली जरूरत होती है ब्रीफिंग। जो अपने वरिष्ठ अधिकारी अपनी ब्रीफिंग करते हैं या हम जो अपने स्टाफ को ब्रीफ कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमें क्या ड्यूटी करनी है। जैसे अगर मार्ग व्यवस्था वाली बात हो गई, तो कोई मोबाइल चला रहा है, कोई कैन लेके इधर उधर घूम रहा है, कोई चाय नाश्ता ढूंढ रहा है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए वीआईपी ड्यूटी में। कभी सभा स्तर में ड्यूटी लग गई तो हम कभी एक एक जगह जाके बैठ ना जाए, अपने मतलब वीआईपी सामने खड़े हैं तो उनको ना देखते, सिर्फ अपन को अपनी ड्यूटियां देखनी चाहिए कि हमें क्या ड्यूटी करनी है। के बाद जो इन सब से और पसंद मैनेजमेंट में, अच्छा एक चीज और रह गई थी, रेट के संबंध में बोलना चाह रही थी। थाने स्टाफ में ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है रेट की। छोटी छोटी सी सूचनाएं मिलती हम उसमें रेट जानने जो जाते हैं, तो हमें हमेशा एक व्यक्ति सिविल का होना चाहिए जो वहां जाके पहले रैकी कर सके कि वहां पे हमें करना क्या है। अगर वहां पर कुछ नहीं है तो उसकी रैकी करके वो वापस आ जाए, अगर वो सारी चीज है तो हमें बकायदा पूरा जो उस क्षेत्र का आकलन करके वहां पे रेट की तैयारी करें। निहत्थे बिल्कुल ना जाए, निहत्थे जाने से ये होता है कि सामने वाले के पास संपूर्ण हथियार है, अपन निहत्थे जाएंगे तो अपन फुट पिट के आ सकते हैं। इसलिए हमें पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए, हमें पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। और अगर हमें वो रेट में सक्सेस मिलती है तो ये है कि हम वहां के लोग, अगर कोई कुछ लोग होते हैं जो विरोध करने में उतारू हो जाते हैं, तो उस स्थिति में हम अपना संपर्क कितना होना चाहिए, हमारी भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए कि हम उन्हें बता सके कि ये रेट किया है हमने और ये सिचुएशन में हमें ये मिला है, तो हमें वो हमारे हाथ में है, ताकि वो सामने वाला संतुष्ट हो सके कि अगर पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है तो वो सही की गई है, जिससे मतलब ये स्थिति ना आ सके कि रेट की कार्रवाई में भी हमें लाइन ऑर्डर की बात आ सके। जय हिंद। मेरा नाम उप निरीक्षक अनिला पालचक, जिला इंदौर थाना किशनगंज में पदस्थ हूँ। ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस को आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी में मैं बोलना चाहूंगी पर्सनल मैनेजमेंट के लिए, जो हमारे लिए अति आवश्यक है। मैं शुरुआत करती हूँ, अच्छाई के बदले अच्छाई न मिलने पर अच्छा काम करना न छोड़ दे, क्योंकि आपके अच्छे कार्यों का फल कब और किस रूप में मिलता है ये ईश्वर प्रदत्त करता है। तो आज चूंकि हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी अलग पहचान बना रखी है, अपना एक खास मुकाम हासिल कर चुकी है, तो मैं बताना चाहूंगी, चूंकि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस जो है उसका सबसे मजबूत स्तंभ जो है वो है पर्सनल मैनेजमेंट,
जिसको केंद्र में लाते हुए मैं कुछ बात आपको बताना चाहूंगी। इसमें ये सबसे जरूरी इसलिए है क्योंकि चूंकि हम लोग पुलिस में, तो हमने अपनी क्षमता, हमने अपनी शक्ति दोनों साबित कर दी है तब हम पुलिस विभाग में आए, और इसके लिए हमें सबसे पहले मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वयं तैयार रहना पड़ेगा। हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हम पुलिस विभाग में आए हैं तो हम हर कार्य के लिए हर समय उपलब्ध होना, हमें मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इसमें है सबसे पहला स्मार्ट पुलिसिंग। आपकी स्मार्ट पुलिसिंग ये है कि आप किस तरह घर को और पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीजों को बैलेंस करती है। कोशिश ये कीजिए कि जब आप, जैसे कि मैम ने इसके पहले बता चुका है कि जब आप घर पर रहे तो घर की जिम्मेदारी पूरी कीजिए, हो सके तो मोबाइल में समय घर पर कम दीजिए, और जब आप प्रोफेशनल रहे तो आप है ना प्रोफेशनल में पूरा समय दीजिए। आप सोशल मीडिया और सारे न्यूज़पेपर, इन सारी चीजों से अपडेट रहे ताकि अपने आप को स्मार्ट बता सके। उसके अलावा हर कार्य क्षेत्र में आप अपना उतना ही योगदान दें, आप पीछे ना हटे। जैसे मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ कई चीजों में, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं संपत्ति संबंधी अपराध नहीं करूंगी, सिर्फ महिला संबंधी अपराधों के लिए मैं विभाग में आई हूँ। तो इस तरह से आप मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार रखें। सेकेंड होता है हमारा स्टाफ के प्रति समन्वय बनाना। ये एज अ थाना प्रभारी, एज अ वरिष्ठ अधिकारी, एज अ सब इंस्पेक्टर, ये चीजें बहुत जरूरी हैं क्योंकि है ना कई प्रकार से आप जानते हैं हमारे स्टाफ में कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, तो हमें ये है कि उनसे है ना एक परिवार के मुखिया होने के नाते थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों को उनसे सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। उन्हें उनके साथ एक मतलब गेट टूगेदर हमेशा इंटरेक्ट करते रहना चाहिए। और जैसे कि अगर किसी को छुट्टी की परेशानी है, मेडिकल रीजन बन रहा है, ये चीजों की सत्यता का जांच करके वो उसे छुट्टी प्रदान करें और इसी प्रकार सारी समस्याओं का निराकरण करें ताकि जो स्टाफ है उसमें आपके प्रति मान सम्मान भी बढ़े और वो एज अ मुखिया आपको उतना सम्मान दे सके। थर्ड आता है हमारा दक्षता। दक्षता में मैं ये कहना चाहूंगी, जो आमतौर पर देखा नहीं जाता, कि इंटरेस्ट के आधार पे जो स्टाफ है उनको है ना कार्य विभाजित नहीं किया जाता है। कई लोगों का होता है, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो सीसीटीएनएस पे कार्य कर रहे होते हैं किंतु वो उनका मुखबिरी तंत्र क्षेत्र में जो खुफिया है उनसे बेटर होता है। तो आप पहले अपना जो स्टाफ है उनका इंटरेस्ट जानिए कि वो किस कार्य में ज्यादा अच्छे है। इससे ये होगा कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, वो फ्रूटफुल होगा। तो ये स्पेशली हमें ध्यान देने की जरूरत है। फोर्थ है हमारा भाषा शैली। लैंग्वेज का असर पुलिस पर बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि हमारा जो पब्लिक इंटरेक्शन है उसमें हम है ना मोस्टली, अगर जैसे कि मैं लगातार 7 साल से फील्ड में हूँ तो मैंने देखा है, चूंकि हम निचले तबके के साथ कमजोर वर्ग के प्रति ज्यादा हम लोगों का इंटरेक्शन होता है, तो हमारी लैंग्वेज हम उस प्रकार कर लेते जो बिल्कुल ही अनुचित है। हमें समय समय पर मतलब अच्छी चीजों का ज्ञान लेते रहना चाहिए, हमारी लैंग्वेज में सुधार करना चाहिए। इसके लिए काफी सारी स्किल्स होती है, इस पर भी प्रशिक्षण में ध्यान देना चाहिए। तो मैं अपनी बात पहुंचाना चाहूंगी वरिष्ठ अधिकारियों तक कि समय समय पर लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज, इन चीजों के लिए भी प्रशिक्षण देते रहे। फोर्थ होता है हमारा नेटवर्किंग। हमारा मुखबिरी तंत्र मजबूत होना चाहिए। जैसे हम अपने स्तर पर ग्राम रक्षा समिति, बाल मित्र, और इसके अलावा महिलाओं के लिए जो, जैसे मैंने अपने थाने में शक्ति समिति बनाई है, उससे हम लोगों को काफी हेल्पफुल मतलब नॉलेज भी मिलता है। और समय पर अगर विपरीत परिस्थिति आती है तो यही लोग पुलिस का साथ देकर जो मतलब अप्रिय घटना है उसको होने से बचा लेते हैं। हमारा टाइम एक्सपीड हो गया है। ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस का एक एग्जांपल इरमीन ने बताया था, अब चूंकि समय नहीं इरमीन की तरफ से मैं बता दूं कि जब इरमीन नई नई नौकरी में थी तो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में इनको जाना था। इरमीन के साथ की सभी महिला कांस्टेबल्स और सभी अधिकारियों ने अपने कान के गहने और गले वाले के गहने निकाल के अपनी पॉकेट में रख लिए। इरमीन नहीं समझ पाई कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आई तो वहाँ की महिलाओं ने इरमीन के ऊपर अटैक किया और तब उसको अपने सब कान के गहने में बचाने पड़े। तो दैट इज ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस, कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस सिचुएशन में काम करने जा रहे हैं आपके पास प्रोफेशनल एफिशिएंसी होनी चाहिए, आपके मेंटल टफनेस होनी चाहिए और सारे इक्विपमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। उसके लिए आप महिला और पुरुष का कोई भेद नहीं है, हम सभी को एज ए पुलिस ऑफिसर वो सब तैयारी होनी चाहिए। वो हमारा टॉपिक था, तो हो सकता है हम सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर पाए लेकिन बाद में हम कर देंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
नहीं, अभी इसके ऊपर और भी चिंतन मनन करने के लिए बहुत आगे हमने ग्रुप बनाई है और करते रहेंगे। और ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस की जो बात हम कर रहे थे उसमें थोड़ा इसके ऊपर भी और विचार करिए कि जब भी आपको किसी लॉ एंड ऑर्डर में या कहीं वीआईपी सिक्योरिटी में या इस तरह के कामों में रेड में जाने की जरूरत पड़ती है तो डिपार्टमेंट में थोड़ा सेंसिटाइजेशन किन चीज़ों को लेके, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे हमारे साइज का हमको कभी हेलमेट और बॉडीगार्ड मिल ही नहीं पाता, तो अब कैसे पहले क्या किया जाए, तो हम अपने तरफ से क्या सुझाव इन चीज़ों को लेके दे सकते हैं। खुद की तो प्रिपेयरनेस है ही, लेकिन जिन चीज़ों पे हमारा जोर नहीं है उसमें हमको थोड़ा सा अपने तरफ से ये इनिशिएट करने की ज़रूरत है कि ये भी चीज़ें हमें हमारे जो बिल्ट है और ये है इसको देख के और डिपार्टमेंट में भी इन चीज़ों के ऊपर गौर किया जाए। और जो आपने कही कि सेल्फ प्रिपेयरनेस के ऊपर, तो आपने कहा ही कि भाई ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस सबसे पहले खुद की तरफ से, तो हम किस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी में उस समय काम कर रहे हैं, अगर हम थाने में हैं या फील्ड की कोई हमारे पास जिम्मेदारी है तो हमारा रेगुलर रूटीन में भी, अगर हम वर्दी में नहीं जाते हैं तो कम से कम इतने कंफर्टेबल क्लोथ्स में होना चाहिए कि हमको अचानक कहीं भागना पड़ जाए तो ये नहीं है कि हमारा चप्पल हमको प्रॉब्लम कर रही है या इतना तरह के ऑर्नामेंट्स या बाल हमारे कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों में तकलीफ दे रहे हैं। तो पहले आप अपनी खुद की कर लें, प्लस इसके साथ आपको अगर डिपार्टमेंट से कोई सपोर्ट इन चीज़ों में जो नहीं मिल पाता है, बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने उस लेवल पे काम किया है जहाँ ये छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की और आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ये भी चीज़ें थानों में गौर की जानी चाहिए, तो इसके ऊपर अभी और विचार विमर्श होता रहेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ग्रुप हमारा ग्रुप नंबर 4। नमस्कार, हमारा येलो ग्रुप है और हमारा टॉपिक है सिस्टम। मैं बताना चाहूँगी कि कल के जो लेक्चर था सुनीता मैडम ने जब ये टॉपिक पे बताया था, पहली बार मैंने ये टर्म सुना था सिस्टरहुड, क्योंकि बचपन से ही हम सुनते आते हैं भाईचारा होना चाहिए, भाईचारा ब्रदरहुड होना चाहिए। तो जब महिलाओं हमारी विश्व की जनसंख्या का लगभग 50% या उससे अधिक ही हैं, तो वैश्विक स्तर पर और अब हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, तो आवश्यकता समझ में आ रही है कि सिस्टरहुड का कंसेप्ट होता है, महिलाओं में आपसी एकता होनी चाहिए और हमारी इस चीज़ को लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वैश्विक स्तर पे। तो सिस्टरहुड पे मैंने नेट पे भी कल देखा तो काफ़ी काम हो चुका है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इस पर वर्क किया है, लेकिन अपने यहाँ पर मैंने पहली बार ये वर्ड इंडिया में नहीं ज़्यादा सुनने में मिला है, बट अब हम मुझे लगता है प्रैक्टिकली उसे हम समझने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी मिलेंगे जिसमें हमने सिस्टरहुड पे काम किया है और हमें करने की ज़रूरत है। बेसिकली सिस्टरहुड का मतलब ये समझा जाता है कि एक महिला का दूसरी महिलाओं के प्रति क्या नज़रिया है और वो उनसे कितना जुड़ाव रखती है। चूँकि हम सभी एक ही तरह से बने हैं, एक ही तरह की हमारी फिजिकल मेंटल सभी चीज़ें होती हैं और हमारे चैलेंजेस भी लगभग एक तरह के होते हैं, तो हमें दूसरे की चीज़ों को किस परसेप्शन से देखना चाहिए, अपने एम्पैथी सिंपैथी को छोड़ के यहाँ एम्पैथी की बात हम करेंगे, तो महिला ज़्यादा अच्छे से दूसरी महिला को समझ सकती है। सुनीता मैडम ने बताया था कि सिस्टरहुड के कंसेप्ट में मुख्य जो 6 चीज़ें बताई थी मैडम ने कि एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हर लेवल का होना चाहिए। और पुलिसिंग के लेवल पे हम देखें तो हम अपने जब हम पुलिस में आते हैं तो सबसे पहले हमारी बैच में हमारा इंट्रैक्शन होता है, सिस्टरहुड वहीं से शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते जब हम थाने पर अगर हैं तो हमारे थाने में जो महिला कर्मी हैं ग्राम रक्षा की महिलाएँ हैं, या हम जब पब्लिक डीलिंग करते हैं तो महिलाएँ होती हैं, उनसे हमारा कैसा व्यवहार है,
हम अपने जो अपनी साथी महिलाएं हैं उनके साथ जिस लेवल पे हम क्या मदद कर सकते हैं और क्या हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ये सिस्टरहुड है। लगातार एक दूसरे कोऑर्डिनेशन बना के रखना और यूनिटी बना के रखना। मैडम ने वर्ड यूज़ किया था सिस्टरहुड इज पावर। यूनिटी से हम हमारी जो स्ट्रेंथ है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, हम सुपर वुमेन बन सकते हैं। इसमें हम बोल सकते हैं कि यू आर नॉट अलोन, आई एम नॉट अलोन, वी ऑल आर इन सिस्टरहुड एंड वी विल वर्क टुगेदर। इसमें हम मैडम ने एक पॉइंट बताया था कि हम एक दूसरे के लिए कितने अवेलेबल हैं, कितना सपोर्ट सिस्टम एक दूसरे के क्रिएट करेंगे एम्पैथी के साथ। जब एक महिला दूसरी महिला की मदद करती है तो इनक्रेडिबल थिंग्स हैपन होती हैं। 1+1 सिनर्जी इफेक्ट आएगा और हम 11 की तरह हो सकते हैं। हमारी न्यू जनरेशन महिलाओं के लिए पुलिस बहुत कम्फर्टेबल आज भी नहीं है, तो अगर एक इस तरह का माहौल क्रिएट होगा और तो हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी उसके लिए प्लेटफॉर्म रेडी होगा कि वो बहुत कंफर्टेबल होगी पुलिस में, उसको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं अकेली हूँ। तो एक भविष्य के लिए संदेश वाला जो पॉइंट था वो ये था। और आपस में हम जनरली बोलते हैं कि महिला दूसरी महिला को सफल नहीं देखना चाहती या दुश्मन होती है या अपना सपोर्ट नहीं करती हैं, तो यहाँ पर प्रेम और एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम की बात थी। सिस्टरहुड के फायदे पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर और सोसाइटी के लेवल पर हर तरह से हो सकते हैं। मैं इंस्पेक्टर जामोद मन को बुलाऊंगी, वो पर्सनल लेवल पे क्या सिस्टरहुड के बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं वो उस पर बात करेंगे। थैंक यू मैम। हमारी येलो टीम को सिस्टरहुड जो टॉपिक मिला है, ये सिस्टरहुड का कंसेप्ट हम फील तो करते हैं अपने परिवार अपनी सिस्टर्स से ही, और हम हमारे वर्क प्लेस पे भी एक फीलिंग आती है कि हाँ हमारा महिला स्टाफ है, कुछ न कुछ तो हेल्प मिलेगी। आज हमारी पूरी टीम की तरफ से सिस्टरहुड के जो व्यक्तिगत फायदे इस कम समय में रखने के लिए जो मुख्य मुख्य बताएं, वो 5 पॉइंट मैं आपके सामने रखती हूँ। सिस्टरहुड अगर डेवलपमेंट होगा ये सिस्टम हमारे वर्क प्लेस पे, तो सबसे पहला फायदा होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम अधिकारी और कर्मचारी की सारी शेयरिंग सिस्टम डेवलप होगा, तो उनकी चुनौतियां चाहे फील्ड से हो चाहे ऑफिस से हो, तो वो शेयरिंग करेंगे, तो हमें उनको हमारे पर्सनल प्रॉब्लम को हम दूर रख के हमारे कार्यस्थल पे हमारे जो ड्यूटीज है उसके लिए हम इंस्पिरेशन हो जाएंगे और मोटिवेशन लगातार मिलता रहेगा। और दूसरा व्यक्तिगत फायदा है सिस्टरहुड से, हमारा सबसे अच्छा बैक सपोर्ट डेवलप हो जाएगा। बैक सपोर्ट डेवलप हो जाएगा, इससे जो हमें व्यक्तिगत हमारे जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, या कोई बात हम समाज के सामने या लॉ एंड ऑर्डर में रखना चाहते हैं, उसको सपोर्ट मिलेगा, तो प्रभावशाली ढंग से हमारी कार्यशैली का इफेक्ट पड़ेगा और सारे जजमेंट हमारे अकॉर्डिंग हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है स्ट्रेस लेवल कम होगा। अगर हमारा सिस्टरहुड सिस्टम हमारे कार्यस्थल पर मिलने लगेगा, तो हमारी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है या फिर हमारी फील्ड से संबंधित प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में इजीली होगी, और कंफर्ट जोन मिलने से हमारे सारे स्ट्रेस फ्री होकर हम अच्छे से नौकरी और ड्यूटी करने में सक्षम होंगे। और चौथा है हमारी स्किल लेवल बढ़ जाएगा और नॉलेज भी बढ़ता रहेगा, चाहे आरक्षक स्तर के हो वह सब इंस्पेक्टर की सारी नॉलेज या कार्य संभाल सकती है एज उसके औपचारिक रूप से और सपोर्ट दे सकती है। इसलिए हमें नॉलेज और इसमें स्किल डेवलपमेंट में लगातार वृद्धि होगी अगर इस सिस्टम को हम आगे बढ़ाते हैं। और पांचवा, हम आज से महसूस करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में आके हमारा सिस्टरहुड वाला कंसेप्ट है वो हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लाया है, तो हम यहाँ पे जितने भी सहभागी हैं वो हम अपने अपने जिले में जाके इस कंसेप्ट को इस तरह से समझेंगे कि सिस्टरहुड इज अ नॉट डेस्टिनेशन बट इट इज अ जर्नी, नाउ स्टार्ट फ्रॉम अस। थैंक यू।
हमारे प्रोफेशनल लाइफ में सिस्टरहुड कैसे इम्पैक्ट डालेगा कुछ सौम्या बताएंगी, डीएसपी हैं 17 बैच से, और सौम्या कुछ प्रोफेशनल पॉइंट से सिस्टरहुड को एक्सप्लेन की। जय हिंद। वैसे जामोद मैम ने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है, मैं उसी में कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूँ। प्रोफेशनली सिस्टरहुड अगर प्रमोट होता है तो डिपार्टमेंट को उससे क्या फ़ायदा हो सकता है वो बताना चाहती हूँ। प्रोफेशनल स्किल्स, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, कम्युनिकेशन बेटर होगा, तो नॉलेज शेयरिंग बढ़ेगा और जो हमारे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है वो बढ़ेगी, जिससे अल्टीमेटली हमारे डिपार्टमेंट को और ज़्यादा उससे बेनिफिट होगा। ग्रीवियंस रिजोल्यूशन, बहुत सारे हमारे इंट्रा डिपार्टमेंटल ग्रीवियंसेज होते हैं, हमारे कर्मचारियों को प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो शायद किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो सिस्टरहुड के माध्यम से उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और अपने एक दूसरे से शेयर करके बहुत सारे ऐसे मतलब सिचुएशंस हो जाती हैं जिसमें महिला अधिकारी कर्मचारी असहज हो जाते हैं, वो मेल ऑफिसर्स के कारण या उनसे अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते, तो सिस्टरहुड एक हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगा और वो प्रॉब्लम्स जो है हमारे डिपार्टमेंटल लेवल पे ही सॉल्व हो जाएंगे। और जो एक महिला वर्ग का पार्टिसिपेशन है इस डिपार्टमेंट में वो बढ़ेगा, क्योंकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट जिससे कि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ और जो चाहिए हमको रिक्वायरमेंट इस डिपार्टमेंट में वर्क करने के लिए वो इंक्रीज होगी, और साथ ही साथ जो एक बेस बनेगा फ्यूचर जनरेशन के लिए कि वो कन्वीनियंटली इस डिपार्टमेंट में वर्क कर सके। और नेक्स्ट लेवल पे अगर हम देखें तो इस डिपार्टमेंट का दूसरे जो पीड़िता या फरियादी आते हैं उनके साथ एक एम्पैथाइज लेवल पे वर्क करने के लिए हमारे ये सिस्टरहुड प्रमोट। थैंक यू। मैडम बताना चाहूँगी, जैसे कल सुमन मैडम ने बताया कि एक सिस्टरहुड का ही एक कंसेप्ट है कि मैडम लोग अपने अपने जहाँ जिलों में होते हैं तो वहाँ पर लाइन की महिलाओं या अपनी कर्मचारियों को कभी कभी महीने में एक बार बैठती हैं, उनसे बात करती हैं, हाई टी लेती हैं, तो बहुत सारी जो परेशानियाँ बड़े रूप में बाद में विस्फोटक स्वरूप लेती हैं वो छोटी सी समस्या उसी लेवल पर सॉल्व हो सकती है और एक राइट प्लेटफॉर्म मिल जाता है बताने के लिए। मतलब हमें मीडिया तक या बहुत बड़े लेवल पे शिकायत करना, ये सब स्थिति नहीं निर्मित होती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम जिले में हैं, किसी थाने में पदस्थ हैं, तो हमें थाने लेवल पे एक दूसरे से बात करना चाहिए, इंटर थाने में भी बात होना चाहिए। हम जिलों में हैं तो जिला लेवल पे इस तरह से बातचीत होना चाहिए महिलाओं के बीच में, क्योंकि कहते हैं कहने से काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो और जैसे हम लोग जैसे अब यहाँ इकट्ठे हुए मैम, ये एक प्लेटफॉर्म है, तो एक तरह से ये जो स्टेट लेवल की पहली वेमेन कॉन्फ्रेंस है ये भी एक सिस्टरहुड डेवलप करने के लिए एक माइलस्टोन है और ये हर वर्ष होनी चाहिए, सभी का ऐसा मानना है, क्योंकि आज हम जो हैं कमिंग टुगेदर इज़ अ बिगिनिंग और स्टे कनेक्टेड और कीपिंग टुगेदर इज़ अ प्रोसेस और वर्किंग टुगेदर इज़ द सक्सेस। मतलब इसका असली जो रिजल्ट होगा इस वर्कशॉप का, इस हमारी कॉन्फ्रेंस का, कि हम जो ये फीलिंग हमारी है ये हम सब मिलजुल कर आगे कनेक्टेड रहें और नॉलेज शेयरिंग, स्किल डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों को साथ रखते हुए अच्छे से अच्छा अपने डिपार्टमेंट को दे सकें, क्योंकि बेसिकली ये सारी चीज़ों का मोटिव यही है कि हम अपने डिपार्टमेंट को कितना अच्छा सर्व कर पाते हैं। तो यही हमारा नाम था कंसर, थैंक यू। बहुत क्लियर और बहुत ही एकदम स्पष्ट तरीके से आपने सिस्टरहुड की कॉन्सेप्ट को और यहाँ पे इस तरह से जो डिस्प्ले किया, जो चीज़ें हमने सीखी इसमें कुछ ऐड ऑन भी किया है आपने, ये सिर्फ उतना ही नहीं है जो हमने उस दिन उस पीपीटी में देखा, तो यही एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें हैं। और सिस्टरहुड की कॉन्सेप्ट जो है वो निश्चित रूप से मोटिवेट करने में बहुत मदद करेगी, क्योंकि कई बार कोई भी लड़की जब आती है पुलिस में तो उसके लिए एक नया एनवायरनमेंट होता है और उसको ये लगता है कि मेरे साथ ही बहुत सारी समस्याएं हो रही है, मैं क्यों नहीं हैंडल कर पा रही हूँ, क्या मैं एफिशिएंट नहीं हूँ या मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। जब वो और लोगों से बात करते हैं, जैसे घर परिवार में भी बोलते हैं कि कह देने से तकलीफ कम होती है, तो हम एक दूसरे से जब बातें करेंगे तो हमको लगेगा कि ये बहुत आम समस्या शब्द नहीं कहना चाहिए, चैलेंजेस हैं जो आते हैं और हर कोई इसको फेस करता है और निकल जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको इन्हीं चीज़ों को समझने में और उससे आप स्ट्रेस में ना आए,
उससे आपका काम प्रभावित नहीं हो, उसको लेके आप एकदम विड्रॉल मोड में नहीं आए कि हम अब इस, बहुत सारी लड़कियां एक उस स्थिति में आ जाती है कि नहीं मुझे छोड़ना है, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। तो ये सिस्टरहुड और मेंटरिंग की जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं हमको इस चीज को बहुत समझने में और एक दूसरे को सपोर्ट करने में बहुत मदद देगी। हम सब एक से बने हुए हैं, हम सबके अंदर अलग अलग तरह की क्वालिटीज है, लेकिन चैलेंजेस सबके एक समान है, सब लोग मिलकर उसको फेस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट ग्रुप अब हमारा बचा है, ग्रुप नंबर 5। टाइम का खास तौर पर ध्यान रखें। Thank you.